मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हेरिटेज हॉस्पिटल लंका। मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ के स्वास्थ्य एवं फेफड़ा रोग विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे विभाग में फेफड़ा एवं श्वास नलियों के संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। हमारे यहाँ फेफड़े की बीमारियां जैसे फेफड़े की टीबी, फेफड़े की लंग एब्सेस, फेफड़े की ब्रोंकियेक्टेसिस और श्वास नलियों की सूजन जैसे कि ब्रोंकियल एस्मा, जिसको साधारण भाषा में हम लोग दमा बोलते हैं, सीओपीडी, जिसको कि एक लेमेन टर्म में साधारण भाषा में हम लोग बड़ी दमा बोलते हैं, उसका इलाज होता है। इसके अलावा फेफड़े की सिकुड़न, जिसको कि हम लोग आईएलडी बोलते हैं, उसका भी इलाज होता है। यदि इनकी डायग्नोसिस करनी है तो इसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट में पीएफटी की सुविधा मौजूद है, जिससे कि हम लोग फेफड़े की सूजन या फेफड़े की सिकुड़न की जांच करते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में फेफड़े की झिल्ली में यदि पानी, पस, हवा भरा हो तो ऐसे भी मरीजों का इलाज होता है। इसके अलावा हमारे विभाग में ब्रांकोस्कोपी की भी सुविधा मौजूद है, जिससे कि हम लोग ब्रांकोस्कोपी के थ्रू यदि श्वास नली में कोई ग्रोथ हो, कोई मास लीजन हो, तो वहां से बायोप्सी लेकर के उसको जांच के लिए भेजना, या कोई सस्पेक्टेड लीजन हो लंग्स में तो वहां से ब्रोंकियल वॉशिंग बाल लेकर के उसको जांच के लिए भेजना, ये भी सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। इसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकियल एस्मा के मरीजों के लिए हमारे यहाँ एलर्जी टेस्टिंग भी होती है, जिससे कि हम लोग ये पता करते हैं कि किस किस चीजों से मरीज को एलर्जी होती है, उसका हम लोग मरीज को बताते हैं, काउंसिल करते हैं, उसमें हम लोग लाइफ मॉडिफिकेशन कराते हैं और इसके अलावा इलाज भी करते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में जितने भी सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम या ओवरलैप सिंड्रोम के मरीज होते हैं, उनके लिए स्लीप स्टडी की सुविधा है। हम लोग फुल पॉलीसोमनोग्राफी मरीज को रात में एडमिट करके करते हैं और अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, और हम लोग पूरी डायग्नोसिस बना करके मरीज को लाइफ मॉडिफिकेशन बताते हैं, और यदि मरीज को सीपैप या किसी मेडिसिन की जरूरत होती है तो वो भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। हॉस्पिटल में हमारे विभाग से संबंधित यदि हमें एचआरसीटी या सीईसीटी थोरेक्स की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीटी 128 स्लाइस की मशीन है, जिससे कि हम लोगों को काफी मदद मिलता है। इसके अलावा यदि हमारे मरीजों को एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एडमिट करके उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट, जैसा कि बाईपैप, जिसे हम लोग बाईपैप सपोर्ट कहते हैं, वो देते हैं। यदि उनको इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है तो उनको वेंटिलेटरी सुविधा भी देते हैं, जो कि ये सारी सुविधाएं पीएफटी, एलर्जी टेस्टिंग, ब्रांकोस्कोपी, स्लिप स्टडी, सीटी स्कैन और बाईपैप, सीपैप और एडमिशन, ये सारी सुविधाएं इस एक ही छत के नीचे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।